ब्रह्मा पुराण के अनुसार दिवाली की आधी रात को महालक्ष्मी लोगों के घरों में प्रवेश करती है। इस दिन घर को साफ सुथरा कर सजाया और संवारा जाता है। दिवाली मनाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से लोगों के घरों में निवास करती है। दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज इन पांचों पर्वों का मिलन है। दीपावली के दिन सुबह से लेकर रात तक ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी निवास हो जाए, आइए जानते हैं। माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में निवास कराने के लिए करें ये काम। सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, संकल्प कर दिन भर उपवास करें, दिन में घर सजाए, पकवान बनाए और बड़ों का आशीर्वाद ले, शाम के समय फिर से स्नान करें। लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए घर की दीवार को चूने व गेरू से पोत कर लक्ष्मी जी का चित्र बनाए, भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन कदली, फल, पापड़ और अनेक तरह की मिठाइयाँ बनाए। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रख कर उस पर मौली बांधे, इस पर गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें, गणेश जी का तिलक करके पूजा करें। अब चौकी पर 6 मुखे व 26 छोटे दीपक रखें, फिर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, अबीर, दूध आदि से विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद एक एक दीपक घर के कोनों में जला कर रखें। एक छोटा तथा एक चौमुखा दीपक रख कर इस मंत्र के साथ लक्ष्मी माँ का पूजन करें। इस पूजा के बाद तिजोरी में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करें। इसके बाद इच्छा अनुसार घर की बहु बेटियों को रुपये दें। लक्ष्मी पूजन रात के 12 बजे करने का विशेष महत्व है। इसके लिए एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक जोड़ी लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखें। समीप ही 100 रुपए, सवा सेर चावल, गुड़, केले, हरी ग्वार की फली और 5 लड्डू रखकर पूजा करें। दीपकों का काजल सभी स्त्री पुरुष आंखों में लगाएं, फिर रात को जागरण कर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात की पूजा के बाद चूने या गेरू से रुई भिगोकर चक्की चूल्हा सील पर तिलक करें। दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठकर पुराने छात से कूड़ा रख कर उसे दूर फेंकने के लिए ले जाते समय ये कहें, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।